लिए पुलिस द्वारा एक साल की उपलब्धियों को लेकर डीएसपी अमित कुमार ने रेवाड़ी सीआईए में प्रेस को संबोधित किया, जिसमें डीएसपी अमित कुमार ने सीआईए की साल भर की उपलब्धियों को बताया। उसकी जो कार्य है उसका अवलोकन किया गया, समीक्षा की गई और सीआईए जो रेवाड़ी है और इन जो इंचार्ज हैं श्री विद्यासागर और इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है गत एक वर्ष में, और उसके कुछ आंकड़े मैं आप तक लेके आया हूँ। सीआईए का जो काम होता है वो है ज़िले में जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम हो रहा है, सुनियोजित जो अपराध हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उसको कम करना। तो मेनली इनका जो टारगेट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, कोई गैंग जैसे आर्म्स या कोई गैम्बलिंग का कोई गैंग है या कोई नारकोटिक्स या उसके अलावा कुछ ऐसे गैंग हैं जो कि एक्सटोर्शन या किडनैपिंग वगैरह चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सीआईए जो रेवाड़ी है उसने दिए हैं। जैसे आर्म्स की बात करें तो आर्म्स एक्ट के 49 अभियोग अंकित किए गए गत एक वर्ष में, जिसमें 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 58 जो हथियार हैं जिसमें देसी कट्टा व पिस्टल व 41 राउंड्स और अलोंग विद जो 8 हमने जो चाकू हैं वो रिकवर किए हैं। तो हमारी कोशिश आर्म सेट हो या नारकोटिक्स के केसेस हैं उसमें ये रही है कि हम सोर्स तक जाएं, कहाँ से ये जो वेपन्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। तो हर एक प्रत्येक केस में मेरे द्वारा समीक्षा की जाती है और जो सोर्स है उस तक हम पहुँचते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सोर्स को भी गिरफ्तार करें। इसी प्रकार से जो उद्घोषित अपराधी हैं जिले के और जो बेल जंप कर जाते हैं उन अपराधियों की बात करें तो कुल 60 ऐसे उद्घोषित अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया गत एक वर्ष में, वह 51 बेल जंपर्स जिन्होंने बेल को कोर्ट द्वारा जो बेल दी जाती है उसको जंप किया, ऐसे 21 व्यक्ति हैं जिनको जो सीआईए द्वारा है गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध शराब की बात करें तो अवैध शराब के संदर्भ में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कुल 36 अभियोग गत वर्ष में दर्ज किए गए सीआईए द्वारा, और इसमें 35 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 9 गाड़ियां हमने इसमें सीज की हैं और 34,000 बोतल देसी व अंग्रेजी शराब हमने इसमें बरामद की है। इसी प्रकार से गैम्बलिंग एक्ट जुआ अधिनियम की अगर हम बात करें तो गत एक वर्ष में 22 अभियोग सीआईए रेवाड़ी द्वारा दर्ज किए गए, और इसमें जो 70 अपराधी जो कि इसमें संलिप्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया है और 15,61,000 रुपये की इसमें हमने बरामदगी की है, केस प्रॉपर्टी किया है, और इन सभी के खिलाफ जो माननीय अदालत है उसमें हमने चलान दिया है। इसी प्रकार से नारकोटिक्स की अगर बात करें तो कुल 34 अभियोग दर्ज किए गए हैं जिसमें 49 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, और अगर मैं डिटेल्स दूं क्योंकि इस एरिया में जो ट्रेंड्स हैं वो जो नारकोटिक्स की अगर हम बात करें नारकोटिक सब्सटेंस में जो गांजा पत्ती है उसका उपयोग ज़्यादा है, मैक्सिमम केसेस गांजा पत्ती से रिलेटेड पाए गए हैं। तो 84 किलो करीबन गांजा पत्ती और उसके अलावा जैसे सुल्फा स्मैक और जो इंजेक्शन्स हैं या उसके अलावा इन्हीं अपराधियों से जो नशे का काम करते हैं उनसे हमने 6 जो इलीगल वेपन हैं और 9 कारतूस हमने इनसे बरामद किए हैं। उस संदर्भ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। गत वर्ष में हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, लूट, स्नैचिंग व चोरी आदि की 65 वारदातों को इन्होंने हल किया है गत एक वर्ष में, और 143 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में देखें तो
64 आरोपियों को गिरफ्तार करने में जो CIA है वो कामयाब रही है, और अलोंग विथ वेपन्स जो इलीगल जो आर्म्स यूज़ किए गए थे वो इन्होंने इसमें किया है। तो समय समय पर हम जो CIA हमारी यूनिट्स हैं इनकी कार्यप्रणाली का हम विश्लेषण करते रहते हैं और इनको उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं।